हजार रुपए निवेश के लिए। 90,000 रुपया? 90,000। 90,000 रुपया ले आनी है हमारे रेगड़ू कोई भी लिया है 90,000 रुपया? नहीं लिया भैया, नहीं लिया। फिर कैसे बोल रहे हैं ये सर? दूसरा जो लड़का था ना, उन्होंने ये पैकेट पकड़ा था, वो भाग गया हुआ है। वो तो ये लिफाफा देता हुआ है। कैसे आपने 90,000 लिया? नहीं लिया, नहीं लिया सर। क्या फिर ये क्यों कर रहे हैं? ये झूठ बोल रहे हैं। इनको पूछो दूसरा बंदा कहाँ गया, इनको पूछो दूसरा बंदा कहाँ भाग गया जी। इनको पूछो दूसरा बंदा कहाँ भाग गया। तो क्यों ये आप इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? इल्जाम ये मेरे पे इसलिए लगा रहे हैं कि सर मैं इनके साथ बैठा हुआ था, बीड़ी पी रहा था, इसलिए ये इसलिए इल्जाम लगा रहे हैं। तो आपसे इन्होंने 90,000 90,000 का लद्दाख से जी जी। चलो वो अंदर लेके आप बताइए। लद्दाख से लाया उसने पैसे, कहता है इसकी लड़की और छोटी बीमार है जी जी। कहता है बाबू ये अपने पास रखो पैसे, मैंने रखे, मैं बाहर बैठा था। ये आए कहते हैं अंकल जी चाहे जो दो थे ये, तो अंकल जी चाहे जो तो मैंने कहा चलो मुझे भी लगते 100-100 के तो नहीं है, तो 500-500। मैंने वो लिफाफा ऐसे निकाला तो इसमें ऐसे पूरा खींच के तो लिफाफा तो मुझे गिरा दिया नीचे, तो वो लिफाफा छुटा के। पकड़ा कैसे इसको आपने? ये दौड़ के इधर पुलिस वालों ने पकड़ा फिर आके। अच्छा पुलिस वालों ने? हाँ, मैंने मारा चोर फिर पकड़ा इन्होंने उसको उधर। तो ये लिफाफे देखो ये है आपके, ये भी इसी के पास था, ये भी इसी के पास। देख सकते हैं अगर आप बस स्टैंड में आते और आपके पास कैश ना था तो सतर्क हो जाइए, बड़ी खबर देखिए। चलो शादी से इसी तरह से एक शख्स का 90,000 रुपया लेके एक शख्स फरार हुआ, अभी पुलिस ने उसे खोज लिया। अभी अधिकार का विषय लेगा कि क्या पूरा मामला है। फिलहाल बड़ी अपडेट बड़ी खबर इस समय देखिए। चलो के माध्यम से देखते हैं एक शख्स बुजुर्ग, उसके पास एक शख्स आता है और कहता है चेंज चाहिए। वो जैसे ही अपने पैसों का लिफाफा बाहर निकालता है और वो उसके झपड़ मार के लिफाफा लेके दौड़ता है। इसी बीच पुलिस मौजूद थी,